Hello dear all, our today's topic is handling a mouse, which is lesson number 5 from your computer book, part 2. If aapko video pasand aata hai, so video ko like kijiye. Agar aap channel par naye hain, to please subscribe kijiye aur bell icon ko press kar dijiye. इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो पार्ट 1 में हमने माउस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. हाँ, हैंडलिंग अ माउस पढ़ना स्टार्ट कर दिया. उसमें हमने माउस का इंट्रो पढ़ लिया, उसके बाद माउस पॉइंटर पढ़ लिया, माउस पैड पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, होल्डिंग एंड मूविंग अ माउस पढ़ लिया. ठीक है, इतना हमने पार्ट 1 में कर लिया था. अब आज हमारा क्या है टॉपिक, फंक्शंस ऑफ माउस, है ना. अब फंक्शन ऑफ माउस मींस कि माउस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इसको कैसे किया जाता है, क्या करते हैं हम इसके साथ, ठीक है ना, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. सो आज अभी तो हमारा टॉपिक क्या है, फंक्शंस ऑफ अ माउस. ओके, और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आज आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा. पार्ट 1 आपका हो गया, ये पार्ट 2 है. इफ़ किसी को पार्ट 1 मिलने में प्रॉब्लम जा रही हो तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी पार्ट 1 का, इसी चैप्टर का. सो आपको वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, आपको वहाँ मिल जाएगा ईजीली. ओके ओके, सो सीधा मैं स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक, फंक्शंस ऑफ अ माउस. आई होप वॉइस क्लियर है, आई होप स्क्रीन क्लियर है. ओके ओके, सो फर्स्ट फंक्शन इज क्लिकिंग. ओके, क्लिकिंग. अब क्लिकिंग क्या होती है, अब माउस का जो यूज़ होता है क्यों करते हैं, जैसे आप माउस का बटन प्रेस करते हो एक आवाज़ आती है, क्या, क्लिक आती है ना, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, क्लिक. भी एक बार माउस को क्लिक करना क्या होता है, उसको क्लिक करना. ठीक है, देखो यहाँ पर सी, आपको ये पिक्चर दिख रहा है, आपको इसी से क्लियर हो जाएगा. ये हमारे सामने माउस है, ठीक है, ये हमारे सामने माउस है, ये माउस का लेफ्ट बटन है, ये माउस का राइट बटन है. ओके, तो लेफ़्ट बटन को मैंने एल लिख दिया लेफ़्ट के साइड, अब मैं आर लिख देती हूँ राइट साइड पर, ठीक है ना. तो आप माउस का लेफ़्ट बटन को जस्ट एक बार प्रेस करते हो, लिखा है ना, प्रेस वंस दैट मींस क्लिक, प्रेस वंस दैट मींस क्लिक, ठीक है ना. माउस का लेफ़्ट बटन को जस्ट एक बार प्रेस करना क्लिक करना कहलाता है. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, माउस के लेफ़्ट बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करना क्लिक करना कहलाता है. ओके, चलो अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सी, क्लिकिंग, व्हेन वी प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ अ माउस वंस एंड रिलीज इट दैट मेक्स अ क्लिक साउंड. अभी मैंने आपको बताया है ना, दिस इज कॉल्ड क्लिकिंग. जैसे ही आप माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करते हो और उसको रिलीज़ कर दे, तो जस्ट एक बार प्रेस करके रिलीज़ कर देना, छोड़ देना, तो क्या है, एक साउंड आता है. कैसा साउंड आता है, क्लिक आता है ना, क्लिक साउंड. माउस के बटन आप प्रेस करना एक बार, आप उसका साउंड सुनना, क्लिक साउंड आता है. ठीक है ना, सुना भी होगा सबने, पता है मुझे. ओके, सो जैसे ही हम माउस का लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करते हैं, हमें एक क्लिक साउंड आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड क्लिकिंग. ठीक है ना, इन शॉर्ट माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करके उसको रिलीज़ कर देना, दैट इज़ क्लिकिंग. ठीक है, इसको हम क्लिकिंग बोलते हैं. ओके ओके, नाउ लेट्स ट्राई. अब देखो क्या है इसमें, मूव द पॉइंटर एंड पॉइंट टू एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर. आप क्या करना है, मॉनिटर में माउस के पॉइंटर को लेकर जाना है और किसी भी एक ऑब्जेक्ट में क्या करना है, जस्ट पॉइंट करना है. ठीक है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, कोई भी एक आइकन को पॉइंट कर लो. ओके, प्रेस द लेफ्ट बटन एंड रिलीज इट, और वहाँ पर लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस कर दो, जस्ट क्लिक. ठीक है, जैसे अपन एक बटन दबाते हैं ना, बस वैसे ही माउस का ये लेफ्ट बटन को एक बार दबा देना है बस. ठीक, द ऑब्जेक्ट विल बी सेलेक्टेड. आप जैसे ही ये करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आप आइकन ऑब्जेक्ट कुछ भी जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो, वो सेलेक्ट हो जाना है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्लिकिंग, जस्ट क्लिक. हम जब एक बार क्लिक करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, सपोज़ आपका ये सर्कल बना दिया, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आइकन को सेलेक्ट करना है.
अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आइकन को जस्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ एक सिंगल क्लिक करेंगे, ओनली वन सिंगल क्लिक, ठीक है ना। अब जस्ट सिंगल क्लिक को, क्लिक करने को ही क्लिक करना कहते हैं, क्लिकिंग कहते हैं, ठीक है ना। इफ़ हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो हम उसमें सिर्फ एक क्लिक करेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो आपको हाईलाइट होने लगेगा कि हाँ भाई मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। ओके, क्लियर हुआ। ओके, तो ये हो गया माउस का फर्स्ट फंक्शन, क्लिकिंग। ओके, क्लिकिंग क्लियर हुआ सबको। ओके, नाउ नेक्स्ट, बेटा वीडियो पूरा देखना, मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब पूरा देखोगे तभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बीच में छोड़ के नहीं जाना, स्किप वीडियो को नहीं करना, पूरा चैप्टर समझना है तो पूरा पूरा वीडियो देखो। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज डबल क्लिकिंग। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डबल क्लिकिंग। ओके, अब देखो डबल क्लिकिंग क्या होती है। सो प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस without stopping and releasing is called double clicking. Okay, तो करना क्या है, माउस के बटन को जल्दी जल्दी दो बार प्रेस कर देना, ठीक है ना। एक मतलब बिल्कुल भी वेट करने का नहीं, जस्ट माउस का लेफ्ट बटन है उसको जल्दी से दो बार प्रेस करो। नाम क्या है, डबल क्लिकिंग ना, तो दो बार जल्दी से जल्दी, जैसे हमने लेफ्ट माउस बटन में अपना हाथ रखा, ठीक है, अपनी इंडेक्स फिंगर रखी, फटाफट से टक टक दो बार ऐसे क्लिक कर दिया, बिल्कुल जल्दी क्लिक क्लिक, इतने जल्दी, ठीक है ना, तो उसको प्रेस कर देंगे। ये क्या होता है, ये डबल क्लिकिंग होती है। जब आप ऐसा करोगे बिना उसको रिलीज़ किए, बिना उसको स्टॉप किए, बिल्कुल जल्दी जल्दी, एक सेकेंड का भी फर्क नहीं होना चाहिए, को फटाफट से डबल क्लिक करो, क्लिक क्लिक हो गया, ये डबल क्लिकिंग हो गई, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं डबल क्लिकिंग। ओके, नाउ लेट्स ट्राई, मूव द पॉइंटर टू द कंप्यूटर आइकन, ठीक है ना, कंप्यूटर आइकन होता है ना, कंप्यूटर में एक आई, मूव द पॉइंटर टू द कंप्यूटर आइकन, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में एक आइकन होता है कंप्यूटर आइकन, वो माय कंप्यूटर भी होता है, मतलब ऐसे लिखा होता है माय कंप्यूटर, ठीक है, ये हर कंप्यूटर में होता है। आप अपने जिसके भी घर में सिस्टम है ओपन करके देखना, इस नाम का आइकन आपने मिलना ही मिलना है, ठीक है ना, माय कंप्यूटर, ठीक है, आपके पास ये आइकन दिखेगा। डबल क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, क्या करना है, वहाँ पर अपना माउस पॉइंटर लेके जाना है, जो कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, माउस पॉइंटर ऐसा होता है ना, इसको वहाँ पर लेकर जाना है माय कंप्यूटर के पास, क्या कर देना उसमें, फटाफट दो बार क्लिक कर देना, क्लिक क्लिक, ठीक है। जैसे आप ये कर दोगे द कंप्यूटर विंडो विल ओपन, क्या होगा, वो विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो जस्ट क्या था, एक एग्जांपल था। आपके पास कंप्यूटर में इतने सारे आइकन है, किसी भी आइकन को, इफ़ आप पेंटिंग करना चाहते हो ना, अगर आपके डेस्कटॉप में ही पेंट वाला आइकन बना हुआ है, आपकी स्क्रीन में डेस्कटॉप में सामने पेंट वाला आइकन बना है, उसमें ऐसा अगर लिखा हुआ है पेंट, ठीक है, आपने पेंटिंग ही करनी है, अब आप लोग को पेंटिंग करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना, सो आपने पेंट खोलना है, इसमें क्या है, आपके सामने आइकन लिखा होगा, आपके डेस्कटॉप में पेंट आइकन होगा, फटाफट से दो बार इसमें क्लिक कर दो, ये ओपन हो जाना है, ठीक है ना, पेंट विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने, ठीक है, फटाफट क्लिक क्लिक, दो बार क्लिक कर दिया, ओपन हो गई, ठीक है ना। अब एक बार और ध्यान से सुन लो बेटा, सिंगल क्लिक, ठीक है, एक क्लिक हम क्यों करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल क्लिक, ओनली वन क्लिक, तो जो भी हमारा आइकन रहता है वो जस्ट सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक करते हैं एक बार। और अगर आपने आइकन को ओपन करना है, किसी भी आइकन को ओपन करना है, तो उसमें क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे, ठीक है, दो बार क्लिक करोगे किसी भी आइकन को ओपन करने के लिए, इस बात को बिल्कुल मत भूलना, ये मेन फंक्शन है माउस के, ठीक है ना, कि हमें कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे ओपन करना है, समझ आ रहा है ना। सिंगल क्लिक करेंगे जस्ट सेलेक्ट करने के लिए, और डबल क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए, इस बात को कभी भी नहीं भूलना। ओके ओके, अभी हो गया, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नाउ थर्ड वन इज राइट क्लिकिंग। ओके, अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया ओनली क्लिकिंग, सेकेंड पढ़ा हमने डबल क्लिकिंग, अब हम क्या कर रहे हैं, राइट क्लिकिंग, ठीक है। अब राइट क्लिकिंग क्या होगी, माउस में दो बटन होते हैं ना, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, लेफ्ट बटन के बारे में, कि इसको कब एक बार दबाना है और कब हमने दो बार दबाना है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट का हो गया। अब बारी आती है राइट की,
ओके कि अब राइट क्लिक होता क्या है. चलो देखो, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द राइट माउस बटन वंस विल शो अ लिस्ट ऑफ कमांड्स ऑन द मॉनिटर. ओके, अब आप ये वाला इमेज अच्छे से देखो. ये मैंने इसको जूम कर दिया, आई होप बेटा ये आपको क्लियर दिख रहा होगा. ठीक है ना, देखो जैसे ही माउस का जो राइट बटन होता है ना, उसका यूज़ ना तो सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ना ही किसी चीज़ को ओपन करने के लिए किया जाता है. राइट क्लिक का यूज़ ना तो सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ना ही किसी चीज़ को ओपन करने के लिए किया जाता है. क्यों किया जाता है? राइट हम इसलिए प्रेस करते हैं, राइट बटन, राइट क्लिक हम इसलिए करते हैं, अगर हम इसको प्रेस करने से क्या होता है, हमारी स्क्रीन में ऐसा शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, इसको हम शॉर्टकट मेन्यू बोलते हैं. जैसे हम अपने मॉनिटर में, अपनी स्क्रीन में क्या करेंगे, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास ये लिस्ट ओपन हो जानी है कमांड्स की, कि आप करना क्या चाहते हो. ठीक है, जैसे कि हमने पहले लेफ़्ट बटन से किसी भी आइकन को सेलेक्ट कर लिया कि हमने इसके साथ करना क्या है. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट बटन से उस आइकन को सेलेक्ट कर लो, फिर राइट क्लिक करो. सेलेक्ट, जस्ट सेलेक्ट करना है तो एक बार क्लिक, है ना, एक बार क्लिक करके लेफ़्ट बटन से, उसके बाद अगर आप उसको नेम चेंज करना चाहते हो, उस आइकन को कॉपी पेस्ट जो भी करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसके बाद राइट क्लिक करोगे. कौन सा क्लिक करोगे? राइट क्लिक. तो आपके पास एक मेन्यू लिस्ट आ जाएगी, है ना, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, वो होता है शॉर्टकट मेन्यू. ठीक है ना, इसको हम शॉर्टकट मेन्यू कहते हैं. वो लिस्ट आ जाएगी. तो राइट क्लिक का यूज़ बेसिकली क्यों किया जाता है? किसी भी, हमें अगर कोई लिस्ट चाहिए, कुछ किसी आइकन के साथ कोई काम करना है, उसको कॉपी पेस्ट, रीनेम, कुछ भी करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है. ठीक है ना, ओके, आई होप बेटा क्लियर होगा. ओके, नाउ सी, लेट्स ट्राई. मूव द माउस पॉइंटर टू कंप्यूटर एंड राइट क्लिक ऑन इट, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ कमांड. ठीक है, तो जैसे कि आपके पास वो आइकन है, कौन सा, कंप्यूटर, माय कंप्यूटर, वहाँ आप गए और आपने उसके ऊपर जाके क्या कर दिया, मूव द माउस पॉइंटर टू कंप्यूटर एंड राइट क्लिक ऑन इट. क्या करोगे, माउस पॉइंटर को, जो कि ऐसा दिखता है, माउस पॉइंटर को रख दोगे कंप्यूटर आइकन में. ठीक है, कंप्यूटर आइकन में आप रख दोगे माउस पॉइंटर को. ओके, उसके बाद क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है. क्या होगा आपके सामने, आपके सामने कमांड की लिस्ट ओपन हो जानी है. ठीक है ना, ओके, एक बार और सुनो, कंप्यूटर आइकन में, कंप्यूटर आइकन में, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ स्क्रीन में, कंप्यूटर आइकन में क्या करो, माउस पॉइंटर को लेके जाओ, जो कि ऐसा दिखता है, मैंने स्क्रीन में ड्रॉ किया, उसके बाद आप राइट क्लिक कर दो, आपके सामने लिस्ट ओपन हो जानी है कमांड्स की. ओके, समझ आया राइट क्लिक का यूज़ क्यों करते हैं? ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज ड्रैगिंग. अब देखो ड्रैगिंग क्या होता है. ओके, टू मूव एन आइटम एन ऑन ऑब्जेक्ट बाय होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन टू अ न्यू प्लेस ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड ड्रैगिंग. ठीक है, अब देखो ड्रैगिंग क्या होती है. ओके, किसी भी आइकन को, किसी भी आइटम को आपने क्या करना है, किसी भी, जो भी, देखो मैं जूम कर रही हूँ, ठीक है, ये आपके सामने क्या बने हैं, ये आपके सामने आइकन्स बने हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना छोटू छोटू से, ये सब क्या हैं, ये जो जितने भी सिंबल्स दिख रहे हैं, इनको हम आइकन्स ही कहते हैं. ये सब क्या हैं, आइकन्स बने हुए हैं. ठीक है ना, आपने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. ओके, आप इमेज में ही देखो, इमेज में ही पूरा समझो इस पिक्चर में देख कर. सो, यहाँ पे कंप्यूटर आइकन है, जिसके बारे में इतनी देर से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर, माय कंप्यूटर. ओके, ये आइकन है, इसको हम चाहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ उठ कर आ जाए, जो कि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा है. कैसे लाया हमने इसको यहाँ पर, आपने क्या किया इसको यहाँ पर लाने के लिए, देखो ड्रैग करने का मतलब क्या होता है, ड्रैगिंग लाइक घसीटना. ठीक है, उसको घसीटते हुए लेकर आना. ठीक है ना, देखो ये कंप्यूटर आइकन है, हमने इसके ऊपर पॉइंटर रखा, पॉइंटर रखा और लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक करके हमने रखा, माउस का लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखा इस आइकन के ऊपर, और उसको दबाते, छोड़ना नहीं है, दबा दबा कर घसीट कर कहाँ, यहाँ पर ले आए और छोड़ दिया, माउस बटन से हाथ हटा दिया अपना. ठीक है, अपना हाथ उसमें से रिलीज़ कर दिया, उस बटन को रिलीज़ कर दिया हमने. क्या किया एक बार और देखो, ये कंप्यूटर आइकन बना हुआ है, यहाँ पर हमने माउस पॉइंटर लेकर आए, लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस कर दिया.
ठीक है, लेफ्ट बटन को, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किया और उसको प्रेस कर कर ही रखा और घसीटते हुए ड्रैग करते हुए हम यहाँ पर ले आए, ठीक है ना। और यहाँ पर लाकर उस लेफ्ट बटन से हाथ अपना, फिंगर अपनी हटा ली तो हमारा जो आइकन है यहाँ पर आके हमने दिखने लगा, यहाँ पर दिखने लगा, ये हमें यहाँ पर दिखने लगा, ठीक है। ऐसा आप किसी भी आइकन के साथ कंप्यूटर स्क्रीन में कर सकते हो। अगर आपको वो यहाँ नहीं अच्छा लग रहा, आप यहाँ कर दो, यहाँ नहीं, यहाँ आपको जैसे अरेंज करना है आप कर दो, ठीक है ना। वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अरेंज करना चाहते हो, कहाँ पे आपको ड्रैग करके लाना है। समझ में आया ड्रैगिंग? ओके ओके, अब मैं रीड करती हूँ। अब देखना, जितना रीड करूँगी ना, बस हमने वही वो मैंने आपको जस्ट अभी समझाया। अब देखो लेट्स ट्राई में क्या लिखा हुआ है। प्लेस द पॉइंटर ओवर एन आइटम ऑन द स्क्रीन, ओके, प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट बटन। नाउ मूव द पॉइंटर टू द प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू प्लेस द आइटम, ओके, रिलीज द लेफ्ट बटन एंड यू विल सी दैट द आइटम हैज़ मूव्ड। बिल्कुल बस वही किया जो मैंने अभी आपको बताया ना, पूरी प्रोसेस वही यहाँ पर पूरी प्रोसेस लिखी हुई है इस जगह पे। बस हमने वही वही किया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वही मैंने अभी आपको लास्ट बिना पढ़े बता दिया, ठीक है ना। सो आई होप बेटा ये हो गया आपका कंप्यूटर का होल्डिंग आ हैंडलिंग आ माउस का सेकेंड पार्ट, ओके, एंड फाइनल पार्ट। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। हमने पढ़ लिया माउस का इंट्रो, माउस पॉइंटर, माउस पैड, होल्डिंग एंड मूविंग अ माउस, एंड फंक्शन ऑफ माउस विच इज़ क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग, ओके। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि माउस का यूज़ हमने करते कैसे हैं और हमें कैसे करना चाहिए, माउस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सारा कुछ हमने माउस के बारे में इन दोनों पार्ट्स में कवर कर लिया। इफ़ कोई डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, क्या लेकर, इसकी एक्सरसाइज वगैरह लेकर मिलूँगी, ठीक है, जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है ना वो लेकर मिलूँगी। आई होप बेटा वीडियो सबने बहुत ध्यान से देखा होगा, कंफ्यूजन कोई भी मत रखना। और मैंने इस वे में एक्सप्लेन किया है कि आपको कंफ्यूजन होनी ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, इफ़ कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, बट उसके पहले इसका एक्सरसाइज करेंगे हम इस चैप्टर का, ओके ओके। नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।